मेरा नाम श्रीराम है, मैं यहाँ पे दाल पकवान खा रहा हूँ। देखिए 6 नंबर का जो हॉकर्स है, मुझे लगता है कि भोपाल का जो खाने का सबसे बड़ा हॉकर्स है। यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं या कह लें कि उपलब्ध हैं, और भोपाल में ऐसा कोई इतना बड़ा हॉकर्स भी नहीं है जहाँ पर ऐसी चीज़ें, मतलब देश के हर एक कोने से, ये कह लें कि हर एक राज्य से अलग अलग तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ पर दावेली है तो वहाँ पर तंदूरी मोमोज है, वहाँ पर राजस्थान की कोई डिश है तो वहाँ पर हम ये कह लें कि दाल पकवान भी उपलब्ध है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो देश की एकता और देश की अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेशन करती हैं, फूड के मामले में और खाद्य के मामले में। हाँ, एक ख़ास बात है जो भोपाल के बारे में है, भोपाल का जो फूड कल्चर है मुझे लगता है थोड़ा सा कमज़ोर है। भोपाल में और ऐसे ऑकर्स होने चाहिए अलग अलग कोने पे, और सरकार को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए कि खाने के मामले में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उपलब्ध रहें ऐसी चीज़ें। जैसे हमें, जैसे मैं अशोका गार्डन से 6 नंबर की तरफ आया हूँ, ये दूर है थोड़ा सा। अगर अशोका गार्डन पे कोई ऐसा बड़ा हॉकर्स विकसित होता तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त बात कर लें कि इंद्रपुरी की तरफ कोई बड़ा हॉकर्स हो, या रानी कमलापति स्टेशन के उस तरफ कोई हॉकर्स हो, हबीबगंज पे कोई हॉकर्स हो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नहीं है और होनी चाहिए। भोपाल की ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो हॉकर से वंचित हैं, तो ऐसी जगहों पर होने चाहिए और अनेक तरह के फूड हम लाभ ले सकें तो बहुत बेहतर होगा मुझे लगता है। टेस्ट तो अलग अलग दुकानों के अलग अलग है, आपको जिस तरीके से खाना पसंद होगा उस तरीके से आपका स्वाद पसंद करेंगे, लेकिन एक अगर बेसिक बात करें तो यहाँ का स्वाद काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग भी नॉर्मल है कि एक मिडिल क्लास लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आकर भी यहाँ मज़े ले सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम शिवांक है। बहुत बढ़िया है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देश के सभी हिस्सों का फूड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मेरा नाम सौरभ सोनी है। हमारा पाव भाजी है, बर्गर है, सैंडविच है। पाव भाजी 70 की, बर्गर 60 का, वेज चीज़ बर्गर और वेज चीज़ सैंडविच 70 का। मसूर में सब बेस्ट है, जैसे कहते हैं जलेबी फेमस है, पाव भाजी, ये राजस्थानी रबड़ी मावा बाटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेमस है। तुम बताओ, छोले टिक्की बन रही है अभी, तो टिक्की सीख रही है। हाँ, 40 रुपये प्लेट। और दही बड़ा, खस्ता, और दही पूरी, सेव पूरी, पनीर टिक्की, समोसा चाट और पानी पूरी हो जाएगी। संडे और सैटरडे नहीं, दो दिन में भी रहती है, संडे सैटरडे। तो ऐसे अप्रॉक्स बता तो नहीं सकते, फिर भी 1000 आराम से।